हेलो दोस्तों, ये अभी सुबह की 8:30 बजी है। हमने इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हम पॉली पैनल और मोनो पैनल दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के पैनल हमने कनेक्ट करके रखा है। एक जो दूर वाला पैनल आप देख रहे हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है, और पास वाला जो पैनल आप देख रहे हैं ये वाला, ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। और यहाँ पे इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हमने 4 पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कनेक्ट करके रखा है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन दोनों को हमने कनेक्ट करके रखा है एक ही इन्वर्टर पे। ये 24 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है और उसको हमने दो बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा है। सोलर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसको हमेशा साउथ फेसिंग करना चाहिए और आपके एरिया के लैटिट्यूड के हिसाब से इसके एंगल सेट करना चाहिए। हमने जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से कर रखा है टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। यहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा है, ये जो आप पॉली पैनल देख रहे हैं, ये वाला पॉली पैनल, यहाँ पे एक एक पॉली पैनल का कैपेसिटी है 160 WP। और ये जो आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल देख रहे हैं इसका कैपेसिटी है 440 WP। तो यहाँ पे दो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल कनेक्ट करके रखा है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो 6 पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आप देख रहे हैं उसको हमने दो दो को सीरीज में किया है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन बनने के बाद उसको हम पैरेलल में कनेक्ट किया है टू गेट 24 वोल्ट आउटपुट। क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है उसका आउटपुट 12 वोल्ट का आ रहा था और हमारा जो इन्वर्टर है उसका कैपेसिटी 24 वोल्ट है, तो इसके लिए हमने दो दो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद कॉम्बिनेशन को पैरेलल में किया है टू गेट 24 वोल्ट आउटपुट। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो करंट है वो जनरेट कर रहा है, कितना एम्पियर का करंट एक एक पैनल जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धूप अच्छी तरह से खिला हुआ है। यहाँ पे सुबह के 8:30 बजी है और 8:30 बजे यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है हम देखेंगे। यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ पे हमने पीवी टेप लगा के रखा है, तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने का कोई प्रोविजन हमने रखा नहीं है। मैं इन्वर्टर में आपको दिखाऊंगा कि कितना वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे मैं एक एक पैनल में करंट मेजर करके आपको दिखाऊंगा। करंट मेजर करने के लिए हमने ये मेट्रावी का क्लैंप मीटर रखा है, और इसमें डीसी करंट कितना जनरेट हो रहा है एक एक पैनल में हम देखेंगे। पहले ये जो 160 WP का पैनल है उसमें देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटी है टोटल कैपेसिटी 1840 वाट का कैपेसिटी हमने ले रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है और 2 मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का जो आउटपुट है वो 440 वाट का है और यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन का 160 वाट का है। आइए देखते हैं कि कितना करंट ये जनरेट कर पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉलीक्रिस्टलाइन एक्साइड का पैनल 160 वाट जो है उसमें हम जनरेट कर पा रहे हैं 3 एम्पियर तक करंट जनरेट कर पा रहे हैं। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3.37, 3.34 ऐसे करके फ्लक्चुएट हो रहा है। और उसके बाद दूसरे पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे भी 7 एम्पियर का जनरेट हो रहा है। और तीसरे में जाएंगे, यहाँ पे भी लगभग 7 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है। सिमिलरली दूसरे साइड पे जाएंगे, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है। ये जो 4 एम्पियर जनरेट हो रहा है ये भी पॉलीक्रिस्टलाइन सेम पैनल है एक साइड का 160 WP का, इसमें 4 एम्पियर जनरेट हो रहा है और उस साइड में जो था उसमें 3.5 एम्पियर ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि ये जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है उसमें कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है। इसमें 5 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा है। हाँ, हम आ गए मोनो पैनल के नीचे और इसमें हम देखेंगे कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है।
ये एक पैनल 440 WP का है और इसमें 5.7 एम्पियर तक जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी यहाँ पे एम्पियर की रेट से बढ़ेगी। यहाँ पे सुबह की 8:30 बजी है तो यहाँ पे इतना ही एम्पियर अभी जनरेट हो रहा है। और दूसरे पैनल पे देखेंगे कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे भी लगभग सेम 5.67 एम्पियर जनरेट हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टर है। यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर यूज किया है। ये सारे पैनल मिला के कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है अब हम देखेंगे। ये जो है ये मेन आउटपुट है। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये मेन आउटपुट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल मिला के 23 एम्पियर अभी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे 23 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है। हम वोल्टेज को इन्वर्टर में देखेंगे कितना वोल्टेज ये जनरेट कर पाती है। आइए चलते हैं, मैं आपको इन्वर्टर के पास ले चलता हूँ। हाँ, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये एसी वायर है। ये इसका जो साइज है वो 6 स्क्वायर mm है। ये पॉली क्रिस्टलाइन पैनल के साथ लगा है क्योंकि ये जो पैनल है वो 2 साल पुराना है। उस टाइम में डीसी वायर उतना अवेलेबल नहीं था तो इसलिए यहाँ पे एसी वायर लगा के रखा है। ये जो आप इस साइड में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल देख रहे हैं वो बिल्कुल नया है। तो इसके साथ हमने जो वायर कनेक्ट करके रखा है वो डीसी है। ये इसका साइज है 10 स्क्वायर mm और ये जो वायर है वो पुराने पैनल से आया है और इसका साइज है 6 स्क्वायर mm। यहाँ पे अगर आप 2 किलोवाट का सेटअप करना चाहते हैं तो ये 10 स्क्वायर mm आपके लिए सफिशियंट है। आप 10 स्क्वायर mm डीसी वायर के साथ 2 किलोवाट सेटअप कर सकते हो। जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये स्मार्टन का इन्वर्टर है और इसके कैपेसिटी है 2.5 kV है। यहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे कि वो सोलर पैनल कितना एम्पियर वोल्टेज जनरेट कर पाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई सोलर 24 और इस इन्वर्टर में बहुत सारे ऑप्शन है। वोल्टेज 32 वोल्ट का जनरेट कर रहा है और करंट 24 एम्पियर का है। मेन यहाँ पे नॉट अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऑफ ग्रिड करके रखा है। यहाँ से ग्रिड के लिए कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ऑफ ग्रिड है, ग्रिड से डिस्कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमने 2 बैटरीज कनेक्ट करके रखा है। ये बैटरीज लुमिनस का है और ये जो इन्वर्टर है वो स्मार्टन का है। ये 2.5 kVA कैपेसिटी है इसका। इसका प्राइस लगभग कहा जाती है 50,000 के आसपास और ये सोलर बैटरी का प्राइस भी उसके उसी रेंज में आ जाती है। एक बैटरी का प्राइस 15,000 के आसपास आएगी और वो जो पैनल आप देख रहे थे वो 440 WP का मोनो पैनल वो हमने फ्लिपकार्ट से लिया था और वहाँ पे रेट हमको आई थी 36,000 दोनों को मिला के। और उसके बाद जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल था 160 WP का, एक एक पैनल का रेट आया था 4,500। उसके बाद हमने जो स्टैंड है सोलर का स्टैंड वो भी एक वेल्डिंग शॉप में जाके बनाया था और उसको हमने इंस्टॉल किया है। टोटल खर्चा मिला के 1,10,000 या 1,20,000 कुछ आया था। अगर आप ये सारे डिवाइसेस को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि लिंक देने के लिए, आप वो लिंक में जाके भी देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। यहाँ पे हमने पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन दोनों को कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पे हमको कोई भी प्रॉब्लम फेस को करने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सारे डिवाइसेस हमारे सारे जो लाइटिंग फैन सारे स्मूथली चल रहा है, कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है और हमें आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है। हमारा दिन में कोई भी खर्चा नहीं होता है। यहाँ पे तो हम 1 HP का जो समर्सिबल पंप है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वो सारे भी इस पर चल जाता है। दिन में हम सारे इसको इस पर यूज़ करते हैं। दिन में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि ये सोलर हमें जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।